हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 3-2-1 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेक्चर 8 स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ अपने कवर कर लिया था, जैसे व्हाट इज स्टोरेज, मेन गोल्स ऑफ स्टोरेज, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी हैं स्टोरेज के क्या होते हैं, फैक्टर दैट शुड बी कीप्ड इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग क्रॉप स्टोरेज, कॉजेज ऑफ पुअर कंडीशन एंड मार्केटेबल लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज, जो भी कारक है स्टोरेज को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मेथड्स ऑफ स्टोरेज के अंदर अपने ट्रेडिशनल मेथड के कुछ पार्ट को कवर किया था। ट्रेडिशनल मेथड मतलब परंपरागत जो विधियाँ हैं, जैसे लो कॉस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें कम लागत होती लगती है, वो विधियाँ जैसे अपने 4-5 ही उसमें कवर की थी। इन सिटू जो विधि है उसे अपने कवर कर लिया था पार्ट 1 के अंदर। सैंड और कोयर जो स्टोरेज के अंदर यूज़ होता है उनका भी अपने देख लिया था। पिट एंड ट्रेंचेस जो मेथड है स्टोरेज का, उसके बारे में, क्लैम्प्स और विंड ब्रेक्स के बारे में अपने पिछले लेक्चर जो पार्ट 1 था इसका, उसमें अपने कवर कर लिया। अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं जो इसका 6th मेथड है, सेलर्स। सेलर्स को आप एक तरीके से अंडरग्राउंड तहखाना कह सकते हो, ठीक है, तहखाना जिसको अपने ज़मीन के अंदर खोद लेते हैं घर के अंदर कई बार, तो उसे ही सेलर कहा जाता है। वैसे आपको डेफिनेशन कई बार इसकी पूछी जाती है कि सेलर्स क्या होते हैं, तो सेलर्स का एक्चुअल में आप इसको अगर डेफिनेशन वो लिख के देगा एग्जामिनर तो वो सेलर्स ही कहेगा उसको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वो तहखाना बहुत ही कम चांस है उसको लिखे, ठीक है, तो सेलर्स ही इसको याद रखना इंग्लिश में। दीज अंडरग्राउंड और पार्शली अंडरग्राउंड रूम्स आर ऑफ्टन एट द बॉटम ऑफ द हाउस। ये अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, जहाँ कुछ पार्ट उनका अंडरग्राउंड होता है और कुछ बाहर होता है ज़मीन के ऊपर होता है, ऐसे कमरे बने हुए होते हैं घर के बीच में, जहाँ कह लो कि बॉटम के अंदर ज़मीन के नीचे बने हुए कमरे बने रहते हैं। द लोकेशन हैज़ गुड इंसुलेशन, provide cooling in hot ambient condition and protect from extremely low temperature in cold climate। जो ऐसी जगह होती है मतलब जो घर के बीच वाली सेंटर वाली जगह होती है वहाँ वो अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब ताप रोधन जैसी होती है, मतलब उसके चारों तरफ से तो कोई ऊपर से गर्मी नहीं लगती, हीट नहीं पड़ती, जहाँ ठंड नहीं पड़ती, बीच वाली सेंटर वाली जगह घर के अंदर है, ठीक है, ऊपर से भी कवर है, तो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, एक अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है कि अंदर ताप ना तो बाहर जाए ना बाहर वाला अंदर आए, ऐसा, ठीक है। और प्रोवाइड कूलिंग इन हॉट एम्बियंट कंडीशंस, और जो अच्छी कूलिंग देती है, गर्म जो बाहर का नॉर्मल क्लाइमेट होता है उसमें अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करवाती है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, और जो कम तापमान होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो सर्दियों के अंदर बहुत ही कम तापमान हो जाता है, उससे भी प्रोटेक्शन करती है फल और सब्जियों का जो उस सेलर के अंदर रहते हैं। कहने का मतलब एक मैं आपको बताऊं, आपने कभी भी देखा होगा जो आपका अंडरग्राउंड रूम होता है, क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरी बनाए हुए रहते हैं मकान लोगों के, तो उसमें जो नीचे वाला कमरा होता है बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर बनाते हैं कई बार, तो वो कमरा एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे गर्मियों में मौसम उसमें जो वातावरण रहता है अंदर का उसका ठंडा रहता है बाहर की तुलना में, ठीक है, और वैसे जो ठंड पड़ती है ठंड के अंदर वो थोड़ा सा गर्माहट देता है, ऐसा कमरा होता है नीचे वाला, भले उसमें कुछ अलग से टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ ना लगी हो, फिर भी वो टेम्परेचर इतना कम रहता है गर्मियों के अंदर और सर्दियों में थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रहता है बाहर की तुलना में, ठीक है। तो Usually the temperature inside is not much lower than the outside temperature and rarely below 15 degrees Celsius। और जो temperature होता है बहुत ज़्यादा कम नहीं होता बाहर की तुलना में, बहुत ही कम, ये कह लो या फिर ये कह लो कि 15 degrees Celsius के आसपास रहता है। और कई बार ये temperature पूछ लेते हैं कि cellar का temperature कितना होता है, cellar के अंदर कितना temperature होता है, या तो fill in the blanks के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, कि इसके आसपास का तापमान रहता है उसका सेलर का तहखाने का। दिस टेम्परेचर इज नॉट लो इनफ टू प्रोटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट एंजाइम फ्रॉम द स्पॉयलर्स, ऑल्दो डीकम्पोजिशन इज क्वाइट स्लो।
जो ये टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये तो नहीं कह सकते कि पूरे तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो सब्जियों का या उत्पादों को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, बचा सकता है, नहीं बचा सकता, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, और प्लांट एंजाइम जो उसके थ्रू जो स्पाइलोज होता है उससे भी नहीं बचा पाता इतना तापमान। तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, एक नॉर्मल सा तापमान है, इस पे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी करते हैं, पर हाँ कुछ हद तक उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, उस जो आपने उसके अंदर कॉमोडिटी रखी है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, हल्का सा स्लो हो जाता है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। सेलर्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड डोमेस्टिकली इन ब्रिटेन टू स्टोर एप्पल्स, कैबेज, ऑनियन एंड पोटेटोज ड्यूरिंग विंटर। द यील्ड में ड्राई आउट ड्यू टू द लेवल ऑफ सॉरी ड्यू टू द लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन इट। जो ये सेलर्स हैं, ज़्यादातर जो परंपरागत तरीके से ग्रामीण जो इलाके हैं ब्रिटेन के, वहाँ पे सेब को, पत्ता गोभी, प्याज और आलू को स्टोर करने का एक परंपरागत विधि है वहाँ पे, ठीक है, सर्दियों के अंदर, वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, याद रखना वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है ब्रिटेन साइड का, ठीक है। और वहाँ पे एक और इस सेलर की नुकसान भी ये है कि इसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं रहती, इसलिए जो आपका उत्पाद होगा वो हो सकता है कि सूख जाए कम मॉइस्चर के कारण, कम नमी के कारण उसके अंदर, ठीक है, सूखने का कारण, सूखने सूख सकता है अंदर पड़ा हुआ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण, ठीक है। फिर है बारंस। बारंस मैं आपको बता दूं, एक तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे कोई कभी कभी आपने देखा होगा गांवों के अंदर कोई शेल्टर बना देता है, शेल्टर मतलब एक तरीके का शेड बना देता है, ठीक है, या फिर आउटबिल्डिंग भी कह सकते हो, ठीक है, शेड मतलब एक छाया वाली जगह जहाँ पे वो अपने जो छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं उनको खड़ा करता है। हो सकता है उसके पास छोटा सा डेयरी फार्म हो तो वो उसके अंदर वो कर सकता है, कई बार कोई प्रोसेसिंग जो अपना काम करता है, जैसे कोई ऑयल निकाल रहा है उसके लिए छोटा सा इक्विपमेंट लगा रखा है, या छोटे मोटे ऐसे काम वो उसके अंदर करता है, उस शेल्टर के अंदर करता है, उसको ही बारंस कहते हैं, ठीक है। ए बारंस इज ए फार्म बिल्डिंग फॉर शेल्टर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनिमल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो बारंस होता है, फार्म की एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग मतलब वहाँ पे एक ढांचा बना हुआ रहता है जो कि छाया के लिए, या कोई प्रोसेसिंग कर रहा है उसके लिए, या फिर स्टोरेज के लिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर कोई इक्विपमेंट के रखने के लिए, मतलब वो बिल्डिंग बनाई जाती है। वाइल देयर इज नो एग्जैक्ट स्केल और मेजर फॉर द टाइप्स और साइज ऑफ द बिल्डिंग, द टर्म बारंस इज यूजली रिजर्व फॉर द लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन ए पर्टिकुलर फार्म, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि इसका ना तो कोई निश्चित पैमाना है, स्केल है, ना कोई मेजरमेंट होता है कि भाई ये नहीं कि इतनी ही इतने साइज की ये बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई टाइप नहीं होता, क्योंकि आप उसके ऊपर टीनों के शेड भी डाल सकते हो। अगर कोई छोटा फार्मर है, हो सकता है वो घास फूस से उसको एक झोंपड़ी जैसी, छप्पर जैसी स्ट्रक्चर तैयार कर ले, हीप जैसा, ठीक है, वो कोई ऐसा साइज टाइप कोई डिपेंड नहीं करता, वो आपकी जरूरत के हिसाब से होता है। हो सकता है कोई उसके चारों तरफ को बंद करके एक रूम जैसा बनाया हुआ हो, जिसके अंदर बड़ा सा शटर लगा हुआ, जिसके अंदर कोई ट्रैक्टर या कोई ट्रॉली या कोई अपने जो दाने उनको स्टोर कर रहा हो, ठीक है, वो कोई है नहीं। और ये जो टर्म है बारंस, और ये एक कह लो कि एक तरीके से एक स्ट्रक्चर जो फार्म पे बनाई जाती है उसके लिए रिजर्व है, जो एक संरचना ढांचा बनाया जाता है फार्म के ऊपर उसके लिए रिजर्व होती है, मतलब उसी को कहा जाता है बारंस। स्मॉल एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स आर ऑफ्टन रेफर्स टू एज शेड और आउट बिल्डिंग एंड आर टिपिकली यूज फॉर स्मॉल इक्विपमेंट और फॉर एक्टिविटीज। जो स्मॉल एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स होती हैं, छोटे छोटे मतलब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ऑफ्टन रेफर्ड एज शेड, जिनको शेड कहा जाता है, जहाँ आउट बिल्डिंग भी कह देते हैं, एंड आर टिपिकली यूज्ड फॉर स्मॉल इक्विपमेंट और फॉर एक्टिविटीज के लिए, जिसे एक कह लो कि साधारण रूप से इक्विपमेंट और एक्टिविटीज को करने के लिए बनाया जाता है। मतलब स्मॉल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कोई फावड़ा है, जहाँ ऐसी चीज़ों को रखने के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट जो कोई भी ट्रैक्टर ड्रोन हो, भले
उसको रखने के लिए बनाया जाता है या कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे मैंने कह रहा था कि प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर वहाँ पे कोई एक्टिविटी और करना चाहता है, तो वो उसके लिए वो शेड बनाता है जिसको शेड या फिर आउटबिल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का शेड होता है। ठीक है, इसको शेड कह सकते हो आप। और भी बहुत से टाइप के होते हैं, फार्म के अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना जो टाइप 8, इवोपरेटिव कूलिंग। इवोपरेटिव कूलिंग कह लो कि एक तरीके की ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसा स्टोरेज जहाँ पे हवा जो होती है वो एक वेट या घीली सरफेस से होके बहती हुई अंदर जाती है। ठीक है, जिसके कारण उस हवा का तापमान कम हो जाता है, जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतना अपने टेम्परेचर को कम कर पाएंगे। ठीक है, उसे इवोपरेटिव कूलिंग कहते हैं। जैसे कूलर होता है, एक तरीके से कूलर के अंदर दोनों साइड पैड लगे हुए रहते हैं, उसके अंदर का तापमान कम रहता है और उसके अंदर हवा बाहर की तरफ से खींचती है और कूलर बाहर हवा फेंकता है, कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। वाटर जो एवोपरेट होता है, वाष्पशील होता है, बनता है, एक पानी वाली अवस्था से गैस अवस्था में आता है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज टू कूल द स्टोर बाय ब्लोविंग एयर इन टू द स्टोरेज रूम थ्रू ए वाटर पैड। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके, इसी सिद्धांत का यूज करके जो स्टोरेज होता है उसे एक वाटर पैड के थ्रू जहाँ उसके अंदर से हवा को प्रवाहित करके ठंडा किया जाता है स्टोरेज को। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कूलिंग डिपेंड ऑन द ओरिजिनल ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। भाई उस हवा के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, ओरिजिनल मतलब उसमें पहले से कितनी ह्यूमिडिटी है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द एवोपरेटिव सरफेस। और जो एवोपरेटिव सरफेस है, मतलब जो आप पैड यूज कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर से हवा निकलनी है, जैसे अपने कूलर के अंदर अपने घास फूस वाला पैड यूज करते हैं, जहाँ आजकल हनीकॉम्ब वाला आता है, ठीक है, ऐसा पैड मान लो एक तरीके से, वो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर होता है। जो हनीकॉम्ब वाला होता है वो ज़्यादा ठंडक देता है, क्योंकि उसमें से हवा बहुत ही ऐसे तरीके से क्रॉस करती है कि मतलब हवा को पानी के टच में आना ही पड़ता है, संतृप्त होना ही पड़ता है। ठीक है, वो ज़्यादा कह लो कि ठंडा कर पाएगी, जबकि जो फूस वाली होती है उसमें ज़्यादा शिदर रहते हैं, वो थोड़ी सी कह लो कि विरली होती है। ठीक है, उसमें से हवा ज़्यादा जल्दी क्रॉस करती है, वो हवा को कम संतृप्त कर पाती है, ठंडा नम कर पाती है। ठीक है, तो मतलब उस सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है और हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कितनी कूलिंग होगी, किस मात्रा में कूलिंग होगी। इफ़ द एम्बिएंट एयर इज ह्यूमिडिफाइड टू अबाउट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ए लार्ज रिडक्शन इन टेम्परेचर विल बी अचीव। अगर जो एम्बिएंट एयर है, जो सामान्य हवा है, उसको अपने 100 रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक, अपेक्षित आर्द्रता तक नम कर पाते हैं, तो इससे क्या होगा कि अपने बहुत ही कम तापमान को भी अचीव कर सकते हैं। बहुत कम से मतलब ऐसा तो नहीं कि अपने माइनस में चले जाएंगे, हाँ तापमान को एक कुछ हद तक अपने दूसरों की तुलना में कम कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने कम कर पाएंगे तापमान को। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हवा प्रवाहित होती है। इट कैन प्रोवाइड कूल मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, यानी कि एक बीच में जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पैड है। ठीक है, हवा इस साइड से प्रवाहित हो रही है, हॉट एम्बिएंट एयर, गर्म, ठीक है, ड्राई होती है, और इसके अंदर से पैड के अंदर पानी प्रवाहित हो रहा है, वाटर एडिशन हो रहा है, और वेट सरफेस है, पोरस मीडिया, इसके अंदर से हवा गुजर सकती है, और इसमें से हवा यहाँ आगे जो स्टोरेज है उसके अंदर प्रवाहित हो रही है, कूल और मॉइस्ट एयर। तो ये मान लो कि यहाँ पे एक स्टोरेज है बना हुआ इस प्रकार से। इट कैन प्रोवाइड कूल मॉइस्ट कंडीशन ड्यूरिंग स्टोरेज, और ये स्टोरेज के दौरान एक नम और ठंडी अवस्था या कंडीशन बना के रखती है। इसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादातर ड्राई नहीं होता, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, ZECC। ठीक है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है स्टोरेज का, और इसको स्पेशली कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में, कई बार इसे डेफिनेशन के रूप में, और कई बार इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। इसे सबसे पहले IRI में बनाया गया था। ठीक है, ICR की एक यूनिट है, वहाँ पे बनाया गया था। तो इसके अंदर होता क्या है, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर जो इसका नाम है, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर से मतलब है इसमें एनर्जी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती।
कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे उसमें इवोपरेटिव कूलिंग के अंदर तो अपने पंखे का यूज कर रहे थे, फैन की यूज कर रहे थे कि हवा को ब्लो करने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई चीज़, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मटके जैसे सिद्धांत पे काम करती है, जैसे मटका पानी को ठंडा कर देता है अंदर, सेम कंडीशन इसमें होती है। अपने को एक मटका तैयार करना है, एक ऐसा जो चारों तरफ से नम रहे हमेशा, और बीच में अपने उसके सब्जियां रख दें, बस पानी नहीं भरना, ये मान लो कि बीच में पानी नहीं भरना और सारी ऊपर की साइड पानी, चारों तरफ पानी होना चाहिए उसके, ऐसा नम, ठीक है। तो होगा कैसे, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे कुछ, पहले चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए लो कॉस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक लो कॉस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर है, मतलब कम लागत वाली ऐसी संरचना है जो कि कम समय के लिए फल और सब्जियों को भंडारित करने के लिए बनाई जाती है। नो पावर सोर्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग। तो इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के पावर सोर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल किसी की आवश्यकता नहीं होती। हैंस दीज आर नेम्ड जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, इसीलिए इसका नाम जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर दिया गया है। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर आर बेस्ड ऑन एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम। जो जीरो एनर्जी कूल सिस्टम होता है, कभी कई बार ये भी याद रखना, जीरो एनर्जी कूल सिस्टम का वो जो प्रिंसिपल होता है उसको भी पूछ लेता है, वो ज़्यादातर एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम के ऊपर ये काम करता है, याद रखना एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम इसका जो प्रिंसिपल जहाँ सिद्धांत होता है, ठीक है। तो एवोपरेशन अकर्स व्हेन एयर दैट इज नॉट ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर मूव ओवर एनी वेट सरफेस, ठीक है। एवोपरेशन कब होता है, जब एक सूखी हवा जिसमें नमी ना हो, कह लो कि एक हवा जिसमें पहले से कोई नमी ना हो, एक गीली सतह के ऊपर से बहती है, ठीक है, तो एवोपरेशन होता है, ठीक। कुछ इस प्रकार की वो स्ट्रक्चर होती है। इसमें मैं आपको बताऊं तो ये आपको ब्रिक्स दिखाई दे रही हैं, ये ईंटें हैं जिसको अपने ईंट भी बोल देते हैं, सेम बिल्कुल ईंट है, ठीक है, ब्रिक्स। और ये मान लो कि नई ईंट का ही बनाया जाता है, दो तीन साल बाद ये ईंट सारी की सारी चेंज करनी पड़ती है। जैसे अपने मटका होता है, मटके के अंदर कुछ टाइम तक पानी ठंडा रहता है, उसके बाद एक आध साल बाद उसको अपने हर साल नया लेके आते हैं कि वो पानी पुराने वाला वो ठंडा नहीं कर पाता, वो खराब हो जाता है। वैसे ही ईंटें हर साल इसकी चेंज की जाती है, लगभग दो या तीन साल बाद इसको चेंज करते हैं इसकी भी ईंटें, ठीक है, तो ही ये इफेक्टिव होता है, जहाँ ढंग से ये कूलिंग कर पाता है। पहले चारों तरफ ये दोहरी दीवार है, ये मान लो कि एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड, और बीच में जो आपको ब्राउन कलर की ये पट्टी सी दिखाई दे रही है चारों तरफ, ये एक ये कह लो कि इन दोनों दो दीवारों के बीच में एक गैप है जिसको सैंड से भरा हुआ है, बालू से भर दिया उनने, ठीक है, बालू रेत, और इसे बालू को ठंडे पानी से कह दो कि जब पानी इसके अंदर हमेशा प्रोवाइड किया जाता रहता है, भाई इसमें पानी से इसको भर देते हैं, नम कर देते हैं, जब भी इसके अंदर स्टोर करना होता है इसे नम कर देते हैं, जिसके कारण इसमें पानी काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है और इवोपरेशन होता रहता है इन ईंटों के थ्रू, ठीक है। पानी बाहर की तरफ, जैसे मटका होता है, मटका बाहर से गीला होता रहता है, जो अच्छा नया मटका होता है हमेशा बाहर से गीला रहता है, सेम वही कंडीशन इसमें अंदर भी साइड और बाहर की साइड दोनों साइड पानी का रिसाव होता रहता है हल्का हल्का सा, जिसके कारण अंदर का तापमान कम हो जाता है, जैसे पानी ठंडा हो जाता है सेम, तो अंदर इसके सब्जियां फल आप कुछ भी रख सकते हो। और इसका जो ऊपर वाला ढक्कन होता है इसको बांस और कुछ पत्तों से या घास फूस से बनाया जाता है, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला ढक्कन है तो इसको भी हमेशा ठंडा या नम करके रखा जाता है, गीला करके ऊपर से ढका जाता है, ठीक है। ये है जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, इसको कहते हैं। और ये जमीन के अंदर नहीं बनाया जाता, जो जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जैसे सेलर्स थे वो नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ये ऊपर बनाया जाता है। और जैसे मटका ठंडा करता है पानी, सेम इसके अंदर भी टेम्परेचर कम रहता है उस वैसा ही, और इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है। दस एन एवोपरेटिव कूलर कंसिस्ट ऑफ ए वेट पोरस बेड थ्रू विच द एयर इज ड्रॉन कूल्ड एंड ह्यूमिडिफाइड बाय द एवोपरेशन ऑफ वाटर। एवोपरेटिव कूलर जो कंसिस्ट होता है, ये रखता है, एवोपरेटिव कूलर होता है, ये रखता है एक वेट पोरस बेड, एक बेड जो होती है जिसके अंदर छिद्र होते हैं, यानी कि जो चारों तरफ आप ईंटें लगा रहे हो वो चीज़, ठीक है। विच द एयर इज ड्रॉन, जिसके थ्रू हवा, जिसके अंदर से हवा गुजरती है, कूल्ड जिसके कारण ठंडा होता है, एंड ह्यूमिडिफाइड मतलब संतृप्त होता है एक तरीके से, हवा पानी से मिल जाती है, ह्यूमिडिफाइड बाय द एवोपरेशन ऑफ वाटर, जिसके कारण जो हवा होगी वो ठंडी हो जाएगी और एवोपरेशन पानी के कारण वो ह्यूमिडिफाइड हो जाएगी, वाष्पशील कह लो,
In summer, when the outside temperature is 44 degrees Celsius, the maximum temperature inside the room never exceeds 28 degrees Celsius with a relative humidity of 90%. जब बाहर का तापमान गर्मियों के अंदर 44 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तब इसके अंदर का मैक्सिमम तापमान, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और 90% उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षित आर्द्रता रहती है उस चैम्बर के अंदर। ठीक है, तापमान याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट वेंटिलेशन। अब नाइट वेंटिलेशन के बारे में आपको एक सिंपल सा बता दूं, नाइट वेंटिलेशन से मतलब है एक ऐसे कमरे, बंद कमरे, ठीक है, जिनमें प्रॉपर वेंटिलेशन की दी हुई है जगह कि भाई आप कर सकते हो, पर वो एकदम से बंद भी हो जाते हैं जब अपने को उसको बंद करना होता है तो। ठीक है, कमरे होते हैं एक तरीके के जहाँ चैम्बर बने हुए रहते हैं, इनके अंदर ज़्यादातर प्याज जब अपने ब्लॉक में खरीद लेते हैं, आलू खरीद लेते हैं, उनको स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। और नाइट वेंटिलेशन से एक मतलब है दिन और रात का जो तापमान का डिफरेंस होता है उसके थ्रू इसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि दिन में तापमान गर्म ज़्यादा रहता है तब तो ये बंद होते हैं, और जैसे ही रात का तापमान कम हो जाता है अंदर की तुलना में, चैम्बर के अंदर भी गर्मी पैदा होती है उसकी तुलना में बाहर का तापमान रात में कम होगा, तो ये इसकी खिड़कियां और इसमें फैन चला दिए जाते हैं जिससे हवा चारों तरफ अंदर से बाहर हो जाए, जो ताज़ी हवा बाहर वाली है ठंडी वो अंदर आ जाए, और उसके बाद इनको फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जब बराबर हो जाता है तापमान तो बंद कर देते हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है नाइट वेंटिलेशन। इन हॉट वेदर द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर कैन बी यूज टू कीप द स्टोर कूल। गर्म दिनों के अंदर जो रात के, दिन के और रात के तापमान के बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी से स्टोर को ठंडा रखा जाता है। द स्टोरेज रूम शुड बी बिल्ट वेल इंसुलेटेड विद द क्रॉप इज स्टोर्ड इनसाइड। जो स्टोरेज रूम होता है उसे अच्छा तापरोधी बना देना चाहिए जब फसल उसके अंदर स्टोर करनी होती है। ए फैन इज इंस्टॉल्ड इन द स्टोर रूम विच इज टर्न ऑन एट नाइट व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज लोअर देन द इनसाइड टेम्परेचर। उसके अंदर एक फैन इंस्टॉल कर देते हैं, पंखा लगा देते हैं, जैसे स्टोर बने हुए रहते हैं। ठीक है, याद रखना उसके ऊपर पंखा हुआ लगा हुआ रहता है, वो घूमता रहता है हमेशा वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, सेम वही कंडीशन होती है, पर इसमें अपने फैन उस समय चलाना है जब रात हो जाए, टेम्परेचर बाहर का कम हो जाए, उससे पहले कोई फैन नहीं चलेगा, बंद रहेगा वो स्टोर। ठीक है, विच इज टर्न एट नाइट व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर लोअर देन द इनसाइड टेम्परेचर। जब रात के समय जब तापमान, अंदर का तापमान ज़्यादा होगा बाहर की तुलना में रात के समय, ठीक है, तब ये पंखा ऑन हो जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर इज इक्वल द फैन टर्न ऑफ। जैसे ही तापमान दोनों का समान हो जाएगा रात के टाइम बाहर का और अंदर का उसके स्टोर के, अपने आप ही पंखा बंद हो जाएगा। द फैन इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंशियल थर्मोस्टेट विच इज कंटिन्यूसली कंपेयर द आउटसाइड एयर टेम्परेचर टू द इंटरनल स्टोरेज टेम्परेचर। दिस मेथड इज यूज टू स्टोर ऑनियन इन ब्लॉक। ठीक है, इसमें जो पंखा लगा हुआ रहता है एक थर्मोस्टेट के लिए, एक थर्मोस्टेट से कंट्रोल होता है। थर्मोस्टेट होता है एक ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा होता है, ज़्यादातर ग्रीन हाउस और इनमें थर्मोस्टेट यूज़ किया जाता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। मतलब एक बाहर का जो तापमान होता है, जैसे ही तापमान बढ़ता है वो वर्क करने लग जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह, उसमें स्विच लगे ही रहते हैं, वो अपने आप ही जो ज़रूरत होती है, जैसे फोगर चलाने हैं फोगर चला दिए, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है, ऐसे काम करता है। तो इसमें भी एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है, जो जब जैसे ही गर्मी ज़्यादा होगी अंदर बाहर की तुलना में, उसको वो पता कर रहा होता है कि बाहर का तापमान कितना है, अंदर का तापमान कितना है, उसमें रीडिंग आ रही होती है। जैसे ही उसको पता लगता है कि बाहर का तापमान कम हो गया अंदर की तुलना में, तो वो पंखे को ऑन कर देता है, पंखा अपने आप ही चलने लग जाता है। ठीक है, और अंदर हवा क्रॉस होने लग जाती है और अंदर का तापमान कम हो जाता है बाहर के तापमान के कारण। ठीक है, और ज़्यादातर जो मेथड है, मैंने कहा था कि ऑनियन के लिए जहाँ पे प्याज को एक लंबे, कह लो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज है, उनको स्टोर करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपने एडवांस्ड हाई कॉस्ट मेथड्स ऑफ स्टोरेज। पहले अब तक पढ़ रहे थे अपने वो लो कॉस्ट मेथड थे, ये हाई कॉस्ट जिनमें ज़्यादा लागत होती है, ऐसे एडवांस्ड मेथड जो हैं स्टोरेज के वो कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है लो टेम्परेचर स्टोरेज, लो टेम्परेचर स्टोरेज मतलब कम तापमान स्टोरेज वाले। इसमें भी दो मेथड आ जाते हैं, एक तो रेफ्रिजरेटेड, एक कोल्ड स्टोरेज।
कोल्ड स्टोरेज में भी आगे कह लो कि कोल्ड स्टोरेज ऐसा जिसमें तापमान बहुत ही कम रखा जाता है, -18 से -40 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ पे किसी चीज़ को फ्रीज कर दिया जाता है। और रेफ्रिजरेशन और चिलिंग टेम्परेचर होता है जिसको रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज जैसे कहते हैं, वो 0 से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। ठीक है, फूड स्टोरेज एट लो टेम्परेचर रिटार्ड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एंजाइम रिएक्शंस। अगर फूड को, भोजन को कम तापमान पे स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो जो ये माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, वो कम हो जाती है और एंजाइम की रिएक्शंस भी कम हो जाती हैं। जो उसमें फलों के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी क्रिया करना कम कर देते हैं। द लोअर द टेम्परेचर द ग्रेटर द रिडक्शन, जितना कम तापमान होगा उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, उतना कम, ये कह लो कि उतनी कम माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जितना ज़्यादा कम तापमान को अपने उनको स्टोर करेंगे। प्लांट लो टेम्परेचर कैन बी, जो लो टेम्परेचर है उसको दो तरीके से प्लांट किया जा सकता है वैसे, एक तो रेफ्रिजरेटेड और चिलिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर होता है, -18 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस टू -14 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन और चिलिंग टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज और लो टेम्परेचर स्टोरेज इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टोरिंग बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्ल्ड वाइड। जो रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज होते हैं या लो टेम्परेचर स्टोरेज होते हैं, ज़्यादातर विश्व के अंदर इनको फल और सब्जियों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो कोल्ड स्टोरेज है ना, यानी कि जहाँ पे कम तापमान रहता है, उनकी तुलना में रेफ्रिजरेटेड जो है ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फल और सब्जियों के लिए। अगर प्रोसेस्ड फूड है तो ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज यूज होते हैं, जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वो चीज़ यूज होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज और लो टेम्परेचर यूज किए जाते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम एन एनक्लोज्ड स्पेस, एक बंद जगह से, ठीक है, और रूम और फ्रॉम ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होती है ये क्या होती है कि गर्मी को हटाना, एक बंद जगह से गर्मी को हटाना, या एक कमरे में से बंद हवा को हटाना, या किसी सरफेस सब्सटेंस यानी कि कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है उसके ऊपर से, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई उत्पाद है, उसके ऊपर से हीट को हटाना रेफ्रिजरेशन कहलाता है ये प्रोसेस। ठीक है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एन एनक्लोज्ड स्पेस और सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट एंड देन द मेंटेन दैट लो टेम्परेचर। प्राइमरी पर्पज क्या होता है रेफ्रिजरेशन का, कि एक तो तापमान को कम करना, उस बंद कमरे में से या बंद स्पेस जो जगह है वहाँ से सब्सटेंस है या उससे या ऑब्जेक्ट से, और वैसा ही तापमान बना के रखना, ये दो प्रिंसिपल होते हैं इसके, एक तो कम करना, एक उसको बना के रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम एक्टिविटीज इन मिनिमल एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर -18 डिग्री सेल्सियस टू -14 डिग्री सेल्सियस। जो माइक्रोबियल की ग्रोथ होती है और एंजाइम एक्टिविटीज़ होती हैं बिल्कुल कम हो जाती है या मिनिमल रह हो जाती हैं जब तापमान एक फ्रीजिंग पॉइंट के, पानी के जमाव बिंदु के ऊपर होता है, यानी कि -18 डिग्री का या फिर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और एंजाइम एक्टिविटी बिल्कुल ही कम होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंद होती है, बिल्कुल ही कम होती है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव दिस ट्रीटमेंट, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस तापमान पे सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं कहने का मतलब। ठीक है, एंड बिकम एक्टिव विच कैन स्पॉइल द फूड इफ द फूड इज सब्सिक्वेंटली कीप्ड एट हाई टेम्परेचर। और जो जो जिंदा रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक्टिव हो जाते हैं और भोजन को खराब करते हैं जब जो टेम्परेचर है कह लो कि बाद में टेम्परेचर जैसे ही उसको कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालते हैं, अपने नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, वैसे ही उन चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। ऐसे नहीं कि उनके अंदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो ऐसी ऐसा नहीं होता। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर जिंदा रहते हैं, पर हाँ अपनी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं या फिर ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती आगे, किल नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर फ्रोजन फूड शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर बिलो -5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो जमा हुआ भोजन होता है, या कह लो कि
जो भी फूड होता है उसको हमेशा स्टोर किया जाता है -5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उनको जमा दिया जाता है, ठीक है। फिर है एंजाइम इन सम वेजिटेबल्स में कंटिन्यू टू फंक्शन आफ्टर अर्ली फ्रीजिंग एंड देयरफॉर मस्ट बी गिवन ए हीट अबव 80 डिग्री सेल्सियस ट्रीटमेंट नोन एज ब्लांचिंग बिफोर फ्रीजिंग टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंड ऑफ फ्लेवर इन वेजिटेबल्स। देर आर टू मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग। एंजाइम्स होते हैं जो सब्जियों के अंदर, वो भी कंटिन्यू कुछ हद तक काम करते रहते हैं। अगर अपने एकदम से फ्रीजिंग कर देते हैं, किसी चीज़ को जमा देते हैं, तो भी वो काम कुछ हद तक करते रहते हैं, जब तक कि अपने उसको एक हीट का ट्रीटमेंट नहीं देते, जिसको ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग नहीं करते तब तक वो एंजाइम एक्टिव रहते हैं। ब्लांचिंग करने से एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ब्लांचिंग याद रखना, ब्लांचिंग अपने इसके अंदर भी अपने डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि सॉरी आगे मैं इसकी प्रोसेसिंग के अंदर आपको डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा कि होती क्या है वैसे एक्चुअल में, कि कैसे करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर की है ये। तो अपने अभी पोस्ट हार्वेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि ब्लांचिंग की जाती है, ठीक है। इसमें 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फल और सब्जियों को उबाला जाता है कुछ टाइम तक, तो वो आगे अपने प्रोसेस पढ़ेंगे। तो याद रखना, ब्लांचिंग करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है, उसके बाद इसको फ्रीज किया जाता है, जिससे बिल्कुल जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है रुक जाती है, ठीक है। और ब्लांचिंग एक और भी होती है, याद रखना, ब्लांचिंग जो फूल गोभी होती है उसके जो कर्ड होता है उसको धूप से बचाने के लिए भी की जाती है। कुछ वैरायटियां तो सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट रखती हैं गोभी की, फूल गोभी की, ठीक है, पर कुछ की ब्लांचिंग मैनुअल की जाती है, उसके पत्तों को ऊपर से कवर कर दे जिससे वो धूप से बच जाए और ब्राउन ना हो, ठीक है, उसके कर्ड को बचाने के लिए। तो याद रखना, देर आर टू मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग। आगे दो मेथड होते हैं फ्रीजिंग के, आगे मतलब जो आपने अभी पढ़ रहे हैं कम तापमान के लिए, तो आगे कम तापमान के भी दो तरीके होते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। एक तो क्विक फ्रीजिंग होती है, क्विक फ्रीजिंग, एक होती है स्लो फ्रीजिंग। क्विक फ्रीजिंग से मतलब एकदम से किसी चीज़ को जमा देना, 90 मिनट से भी कम समय के अंदर किसी चीज़ को एकदम से जमा देना, भले ही वो लिक्विड नाइट्रोजन से जमाओ, जहाँ एकदम से उसके अंदर कोई ठंडी हवा से प्रवाहित करो जिससे वो जम जाए, या फिर ऐसा कुछ करो कि वो जल्दी से जल्दी जम जाए। और एक होती है स्लो फ्रीजिंग, जिसमें 90 मिनट से ज़्यादा टाइम तक धीरे 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 किसी चीज़ को जमाया जाता है। जमाने से मतलब है बर्फ बनाना उसका, ठीक है, जमाने से मतलब और कुछ मत समझना, जमाना मतलब बर्फ बनाना उसका, उसको फ्रिज कर देना, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर रिड्यूस रैपिडली इट इज़ कॉल्ड क्विक फ्रीजिंग एंड फूड कीप एट दिस टेम्परेचर कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी मंथ्स। अगर भोजन को एकदम से जमाया जाता है, रैपिडली या तेजी से जमाया जाता है, इसको क्विक फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। एंड फूड अगर इस तापमान पे प्रिजर्व इस तापमान से अपने ट्रीटमेंट देते हैं या टेम्परेचर फूड कीप इस तापमान पे रखते हैं, तो बहुत ही लंबे समय तक उसको स्टोर, बहुत ही लंबे कुछ महीनों तक उसको भंडारित करके रखा जा सकता है, सेफ रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। फूड कैन बी फ्रोजन क्विकली इन अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स और लेस बाय प्लेसिंग देम इन ए कॉन्टैक्ट विद कोयल्स थ्रू विच द रेफ्रिजरेंट फ्लोस। दूसरा है ब्लास्ट फ्रीजिंग इन विच कोल्ड एयर इज पास्ड थ्रू द फूड। तीसरा है बाय इमर्जन इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो भोजन होता है, फूड होता है, उसको क्विकली फ्रोज किया जाता है 90 मिनट से भी कम समय के अंदर, जहाँ तो उनको कोयल्स होती हैं जिनके अंदर से जो जमाने वाली गैस बहती रहती है उनके बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रख देते हैं जिससे वो जल्दी जम जाती हैं। दूसरा तरीका होता है उनके अंदर एकदम से ठंडी हवा का झोंका, जहाँ ब्लास्ट एकदम से बम की तरह फोड़ दी जाती है ठंडी हवा, जिससे वो एकदम से जम जाए। तीसरा मेथड होता है उनको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इमर्ज कर दिया जाए, डुबो दिया जाए कोई फल या सब्जी या फूड को, तो फिर भी वो जम जाती है, ठीक है। तीन विधियाँ हो गई जमाने की भी। फिर है क्विक फ्रोजन फूड रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड फ्रेशनेस आफ्टर थॉइंग ब्रॉट टू ए रूम टेम्परेचर बिकॉज वेरी स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म व्हेन फूड आर फ्रोजन बाय दीज मेथड। क्विक फ्रोजन फूड होता है, वैसे ये कह लो कि क्विक फ्रोजन जो मेथड होता है ये स्लो फ्रोजन मेथड की तुलना में अच्छा होता है, बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भोजन की पहचान होती है वो भी बनी रहती है और फल जो भोजन होगा आपका वो ताज़ा भी बना रहेगा, जैसा फ्रेश था सेम वैसा का वैसा ही होगा जैसे ही उस बर्फ को अपने पिघलाएंगे। आपने मटर देखे हैं, कई बार जो सफल मटर आते हैं जमे हुए बर्फ के अंदर,
वो कुछ इस तरीके से ही जमाए हुए रहते हैं। जैसे ही आप उनको यूज करना होता है, आप उतने से को थॉइंग करते हो। थॉइंग से याद रखना, थॉइंग की भी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। थॉइंग से मतलब होता है एक तरीके से पिघलाना, बर्फ की तरह। और थॉइंग की डेफिनेशन कई बार पिछले पेपरों में पूछी गई है, थॉइंग, ठीक है। थॉइंग मतलब पिघलाना, बर्फ को पिघलाना, तो या फिर कह लो कि उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना, कोई भी जो फ्रोजन जब जमी हुई चीज है उसको, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेश क्यों बनी रहती है, इसमें जो क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि पानी जब एकदम से जमता है तो एकदम से जमने के कारण वो छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर जमता है पानी, जैसे कोशिकाओं के अंदर रस होता है वो भी जमता है, ठीक है। वो जमेगा छोटे क्रिस्टल के अंदर, जिसके कारण जो उसकी कोशिका झिल्ली होती है, जब फल के ऊपर की कोई सरफेस है वो पंचर नहीं होती छोटे क्रिस्टल बनने के कारण, और वैसा का वैसा वो ताज़ा फ्रूट आपको मिल जाएगा जैसे ही वो क्रिस्टल पानी अपने उसको पिघलाएंगे, ठीक है। और जबकि जो आपकी स्लो फ्रीजिंग होती है, ये वाला टॉप जो आपका नेक्स्ट वाला मेथड है, इसके अंदर क्रिस्टल थोड़े बड़े साइज के बन जाते हैं जब अपने उस चीज़ को धीरे धीरे जमाते हैं, लार्ज क्रिस्टल बनते हैं, जिसके कारण जो आपकी वस्तु है या उत्पाद है उसकी शेप भी खराब हो जाएगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इस और एक दूसरा, उसकी फ्रेशनेस भी नहीं रहेगी, वो जैसे ही पिघलेगी यानी कि बर्फ को अपने पिघलाएंगे तो उसके बाद वो बिल्कुल ढीली सी और बिल्कुल ऐसे मृत सी हो जाएगी वो चीज़, लिसली सी सी, ठीक है। अगर उसको क्विक फ्रीजन फ्रोजन किया था और उसके बाद थॉइंग करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी पहले थी, फ्रिज की थी सेम वैसी, और अगर स्लो फ्रीजिंग किया है तो बिल्कुल वो ढीली डाली सी, ऐसे जैसे बिल्कुल उसमें कोई जान ही ना हो, ऐसे हो जाएगी, उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी स्लो फ्रीजिंग के अंदर, तो ठीक है। इन दिस मेथड द फूड इज फ्रोजन एट ए स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू द क्विक फ्रीजिंग। जो स्लो फ्रीजिंग होती है इसमें जो क्विक फ्रीजिंग होती है उसकी तुलना में धीरे धीरे स्लो रेट से फ्रिज किया जाता है, जमाया जाता है। ड्यू टू विच लार्ज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द फूड सेल ड्यूरिंग फ्रीजिंग विच इंजर्ट देयर मेम्ब्रेन एंड आफ्टर थॉइंग द फूड लॉस इट्स आइडेंटिटी एंड फ्रेशनेस। इसके कारण जो क्रिस्टल्स बनते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं भोजन के अंदर, जो उसकी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर, जो कि उसकी मेम्ब्रेन को फाड़ देते हैं या उसको इंजर्ड कर देते हैं, घायल कर देते हैं, ठीक है, जब पंचर कर देते हैं। जैसे ही उस भोजन को अपने पिघलाएंगे, थॉइंग करेंगे उसकी, उसके कारण उसकी जहाँ तो एक तो आइडेंटिटी भी कुछ हद तक आपको पहचान में नहीं आएगा कि क्या चीज़ थी, कैसी थी, ये पहले जैसा था शेप वैसा नहीं मिलेगा, और उसकी ताजगी भी आपको वैसी नहीं मिलेगी, फ्रेशनेस भी वैसी नहीं होगी, ठीक है। स्लो फ्रीजिंग अच्छी नहीं होती, क्विक फ्रीजिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड एनवायरनमेंट स्टोरेज, जिसको आप एक और तरीके से कह सकते हो मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, MAS, ठीक है। कई बार इसकी डेफिनेशन भी आती है, MAS क्या होता है, बस MAS ही लिखा होगा, या MA भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, MAS भी नहीं लिखता वो, MA लिख देता है। तो मॉडिफाइड एनवायरमेंटल स्टोरेज याद रखना इसको। इन दिस सिस्टम द प्रोडक्ट इज कीप्ड इन मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक कंडीशन बाय पैकेजिंग, ओवरैप, बॉक्स लाइनिंग और पैलेट कवर। इस सिस्टम के अंदर जो भंडारण की ये विधि है, इसमें मॉडिफाइड एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है पैकेज के अंदर, जो पैकेट बनाए हुए रहते हैं जिनके अंदर अपने उसको स्टोर करते हैं, पहले स्टोर करने से पहले उनको एक कह लो कि बॉक्स के अंदर या फिर आप कार्टून के अंदर उनको पैक करते हो, ठीक है, या फिर पुनेट्स के अंदर किसी चीज़ को पैक करते हो फूड को, तो उन पाउच के अंदर या पैकेट के अंदर एक एटमोसफियर, मॉडिफाइड एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जहाँ तो उसकी ओवर रैपिंग करके ऊपर से ढंग से उसको रैप कर दिया कि भाई बाहर कोई गैस अंदर ना पास हो, ना बाहर वाली बाहर निकले, या फिर उसके अंदर कोई ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर यानी कि ऑक्सीजन को सोखने वाले, या फिर उसके बाद इथाइलिन जो एब्जॉर्बेंट होते हैं, इथाइलिन को सोखने वाले कुछ ऐसे पदार्थ उसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है जिसके कारण उसका अंदर का जो तापमान, अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। इसको मॉडिफाइड एनवायरनमेंट पैकेजिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है, की जाती है, या फिर पैलेट कवर होता है उसके थ्रू भी आप इस कंडीशन को पैदा कर सकते हो। इन MAS द कंपोजिशन ऑफ द स्टोरेज एनवायरनमेंट इज नॉट क्लोजली कंट्रोल्ड। जो MAS होता है मॉडिफाइड एनवायरनमेंट स्टोरेज, इसमें स्टोरेज जो होता है उसका
फुली तरीके से जो एनवायरनमेंट होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, पूरे तरीके से नहीं किया जाता, ठीक है। हाँ, तापमान तो कुछ हद तक कम किया जाता है, पर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, जो गैसियस लेवल होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर, ठीक है। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड, बट द CO2 एंड O2 लेवल आर नॉट चेंज्ड। टेम्परेचर तो इसके अंदर चेंज किया जाता है भाई, कंट्रोल करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर करते हैं, पर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, उसे चेंज नहीं किया जाता मॉडिफाइड एनवायरनमेंट स्टोरेज के अंदर। और इसका उल्टा होता है कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज के अंदर, CAS के अंदर, ठीक है, याद रखना। उसमें तापमान भी कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सेवरल टाइप्स ऑफ होल मिनिमल प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल हैव बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड इन मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज। बहुत सा जो पूरा का पूरा साबुत कह लो, ठीक है, मिनिमल जो हल्का फुल्का जिनको प्रोसेस किया हुआ ऐसा फल और सब्जियां, जिनको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इस मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक स्टोरेज के अंदर भंडारित किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, CAS, ठीक है, डेफिनेशन याद रखना। CAS क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक स्टोरेज, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ CAS इज ए सफिशियंट गैस टाइट एवलॉप अराउंड द प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज सम मीन्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 एट द डिजायर लेवल। जो कंट्रोल एटमोस्फेरिक स्टोरेज होता है, इसकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली तो एक फर्स्ट तो होती है इसमें जो गैस टाइट एवलॉप अराउंड द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है उसके चारों तरफ एक ऐसा कवर, उससे कवर किया जाता है, ठीक है, एक शीट से जो गैस टाइट हो, जिसके अंदर कोई गैस अंदर क्रॉस ना कर पाए और बाहर भी ना कर पाए, एक तरीके से पैकेजिंग उसकी इस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा है सेकंड रिक्वायरमेंट, मींस टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिजायर लेवल तक, जितनी आपने को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता को भी नियंत्रित किया जाता उस स्टोर के अंदर, ठीक है। दिस मेथड अलोंग विद रेफ्रिजरेशन सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फ्रूट्स। और ये जो विधि है इसके अंदर रेफ्रिजरेशन के साथ में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को साथ में रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा करने के साथ में, अगर इनको दोनों को यूज़ किया जाता तो जो फल और सब्जियों की जो लाइफ होती है, स्टोरेज लाइफ होती है, उसको काफ़ी एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर स्टोरिंग मैंगो इन CAS इज 5% CO2 एंड 5% O2 एट 13 डिग्री सेल्सियस। जो अच्छा वातावरण होता है आम को भंडारित करने का CAS के अंदर, कंट्रोल एटमोस्फेरिक स्टोरेज के अंदर, होता है 5% तो उसमें कंसंट्रेशन रखी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और 5% रखी जाती है ऑक्सीजन की, और साथ में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है अंदर का, ठीक है। CAS इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट बाय रिड्यूसिंग द ग्रोथ ऑफ सुपरफिशियल मॉल्ड। जो CAS होता है वो जो पाइनएप्पल या अनानास है उसकी रूप को भी बढ़ाता है, उसके ऊपर एक ग्रोथ मोल्ड ग्रोथ करती है। अगर उसको सिंपली बाहर भंडारित किया जाता है ना, तो उसके ऊपर एक फंगस ग्रोथ करती है, एक तरीके से कह लो, जो उसको ब्लैक कर देती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाली सतह के ऊपर एक मोल्ड ग्रोथ करती है, और उस ग्रोथ को ये चेक कर देता, अगर CAS के अंदर उसको भंडारित करते हैं ना तो चेक कर देते हैं, जिसके कारण वो फल की जो लुकिंग होती है, अपीयरेंस होती है, वो अच्छी हो जाती है, दिखने में वो सुंदर लगता है। कीपिंग ग्रीन बनाना फ्रूट इन एन एनवायरनमेंट ऑफ 1-10% O2, 5-10% CO2 और एन कॉम्बिनेशन ऑफ लो O2 एंड हाई CO2 वाइल बनाना रैपनिंग कैन बी डिलेड फॉर ए वीक और मंथ। जो हरा केला होता है उसको अगर एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे 10% तो ऑक्सीजन का लेवल हो, मतलब 1-10% के अंदर आसपास ऑक्सीजन, 5-10% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रखा जाता है, या फिर इन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो। याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज के अंदर ज़्यादा रखी जाती है जब अपने उस चीज़ को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं,
क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, तो ऑक्सीजन बढ़ने से उसकी जो पकाव होता है, पकने की प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ श्वसन होता है वो तेज हो जाता है, जिससे कॉमोडिटी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, जल्दी स्पॉयलेज हो जाएगी, जल्दी पक के जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। और अगर अपने उसमें श्वसन वाली प्रोसेस को चेक करना चाहते हैं तो अपने क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लेवल को बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन चाहिए होती है श्वसन के लिए, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और आपका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, और जो भी आपकी कॉमोडिटी है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वो लंबे टाइम तक स्टोर में पड़ी रहेगी वैसे की वैसे, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन रेट कम हो गई है। ठीक है, इन जनरल द रिस्पॉन्स ऑफ सिट्रस फ्रूट हैज बीन डिसअपॉइंटेड इन सीएस। जो पर ये अगर आपने देखें सिट्रस नींबू वर्गीय फल होते हैं, इनका कोई खास महत्व नहीं है, इनके अंदर सीएस का कोई खास कह लो कि रिस्पॉन्स नहीं देते सिट्रस। ठीक है, नींबू वर्गीय फल जो है, उसके अलावा लास्ट जो अपना मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार प्रेशर भी पूछा गया है और कई बार ये डेफिनेशन में पूछा गया है, हाइपोवेरिक स्टोरेज या फिर सब एटमोस्फेरिक स्टोरेज क्या होता है। हाइपोबैरिक से कह लो एक ऐसा स्टोर जिसमें वैक्यूम या निर्वात पैदा किया गया हो, जिसमें अंदर का दबाव बहुत कम हो, और ये कह लेना कि वैक्यूम पैकिंग भी की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में खंजूर आती है, चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ, आपने कई बार मार्केट से पिल्लो खरीदने गए होंगे, कुशन जिसको सिराना कहते हो अपने तकिया, ठीक है वो, और वो जो मार्केट में आते हैं वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैट किए हुए रहते हैं, उसमें एक छेद किया वो फूल जाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि मशीन के थ्रू उसकी हवा को अंदर का जो होता है उसको खींच लिया जाता है और वो बिल्कुल ऐसे सिमट जाता है, और जैसे ही अपने उसमें छेद करते हैं वो फूल जाता है वापस से। सेम ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट को पैकेजिंग के अंदर भी किया जाता है, जिसको वैक्यूम पैकेजिंग कहते हैं, वो अपने आगे वाले टॉपिक में वैसे कवर करेंगे वैक्यूम पैकेजिंग क्या होती है। और वैसा ही निर्वात एक चैम्बर के अंदर भी क्रिएट कर दिया जाता है, उस चैम्बर के अंदर बड़े बड़े पंप लगे हुए रहते हैं जो हवा को वैक्यूम कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और जो अंदर का जो प्रेशर होता है अंदर, ठीक है प्रेशर तो पड़ेगा ही, आपने देखा है कभी कोई चीज की हवा बाहर खींच लो तो वो पिचक जाता है, तो उस पे दबाव पड़ रहा होता है, वो दबाव कितना पैदा करना है वो चीज, वो 1.32-13 किलो पास्कल तक का इसमें प्रेशर या वैक्यूम जो दबाव होता है वो पैदा किया जाता है। द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन ए वैक्यूम टाइट 1.32-13 किलो पास्कल, इतने वैक्यूम के अंदर टाइट के अंदर फलों प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, एंड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, एंड द प्रेशर इज लोअर टू द डिजायर लेवल बाय ए वैक्यूम पंप। रेफ्रिजरेटेड कंटेनर होते हैं मतलब ठंडे कंटेनर होते हैं, टेम्परेचर भी कम रखते हैं और प्रेशर को भी एक लेवल तक, डिजायर लेवल तक उसके अंदर से मतलब लगभग 1.3-13 किलो पास्कल तक का कम कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग एंड एजिंग इज ग्रेटली स्लोड डाउन बाय द रिमूवल ऑफ द इथाइलिन गिविंग बाय द प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड बाय डिक्रीजिंग रेस्पायरेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसकी राइपनिंग की उसको स्लो हो जाती है, क्योंकि अपने उसमें से इथाइलिन जो भी वो बन रही होती है उसको अपने बाहर सोख लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं पंप के थ्रू। ठीक है, निर्वात पैदा हो गया, उसमें हवा, उसमें इथाइलिन भी बाहर आ गई और उसकी जो रेस्पायरेशन चल रही होती है, श्वसन चल रहा होता है, वो भी इसके कारण कम हो जाता है। दिस इज एन एक्सपेंसिव मेथड, जो ये विधि है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एक तो आपको चैम्बर बनाना पड़ेगा, उस चैम्बर के अंदर भी ऐसा चैम्बर बनाना पड़ेगा जो एयर टाइट हो, और उसमें से आप बड़े बड़े आपको मशीनें ऐसे पंप लगाने पड़ेंगे जो हवा को बाहर खींच सके, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड होता है। थैंक यू।